तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 का 100 मार्क्स इंग्लिश, जो कि है पहला चैप्टर प्रोज का, और वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बिना देर के हम वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे, अभी नहीं, जब अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, फिर अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। देखिए 100 मार्क्स इंग्लिश जो होता है ना, वो उन विद्यार्थियों के लिए टॉप होता है जो इंग्लिश में बिल्कुल, मतलब क्या बताएं, उसको ऐसे टीचर कभी मिलता ही नहीं है जो प्रत्येक लाइन को उसको हिंदी में करके समझाए, ठीक है ना। लेकिन मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, आपको क्लास 12 के प्रत्येक चैप्टर को मैं हिंदी में पोस्टमार्टम करके समझाऊंगा। फिर आपको जब समझ में आ जाएगी तो आप जब क्लास 12 के लिटरेचर के एग्जाम देने के लिए जाएंगे 100 मार्क्स इंग्लिश का, जिसमें प्रोज और पोएट्री से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। जी हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सो विदाउट एनी लेट चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। प्रोज का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए आपका यही बुक है, शायद आप देख पा रहे हैं जी, ये है रैनबो, ठीक है ना। और उसका जो प्रोज का पहला चैप्टर है, मैं अभी बता दूं प्रोज का, ये आप देख पा रहे होंगे प्रोज, ठीक है। और फिर यहां दिया हुआ है पोएट्री, ठीक है। यहां देखिए प्रोज में टोटल आपको 11 चैप्टर दिए हैं, पोएट्री में आपको 10 चैप्टर, टोटल मिलाकर के 21 चैप्टर पढ़ना है। और हम आपको बता दें कि क्लास 12 का इंग्लिश हम इतना आसान बनाकर पढ़ाएंगे ना, इतना आसान बना के कि फिर आपको मतलब बहुत मन भी लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो हम बहुत ज़्यादा आपसे मतलब आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं, विदाउट एनी डिस्कशन हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ, मैंने फुल्ली एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो पूरी एनर्जी के साथ हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, और एंड का तो मतलब एक बच्चा भी जानता है और होता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का शुद्ध और देसी में अगर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए, उसका मतलब निकाला जाए, तो होता है भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति, जिसके राइटर, हाँ जी, जिसके राइटर गांधी जी है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। आइए देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंतर्गत ये कौन कौन सी लाइनें लिखे हैं, और उसको प्रत्येक लाइन को हम लोग हिंदी में पोस्टमार्टम करके समझेंगे विदाउट एनी लेट। शुरू करते हैं। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंतर्गत क्या लिखते हैं। सबसे पहले जान लें कि उनकी बर्थ क्या थी। तो 1869 यानी 1869 में उनकी जन्म हुई, 1948 में वो मर गए, ठीक है ना। पॉपुलरली नॉन एज बापू, उनका प्रसिद्ध नाम, ठीक है ना, यानी बापू के नाम से वो प्रसिद्ध थे, इसलिए बापू हम लोग उनको कहते हैं, ठीक है ना। तो ही वॉज, ठीक है ना, पॉपुलरली ही वॉज पॉपुलर, समझ रहे ना, वो प्रसिद्ध थे, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि पॉपुलरली नॉन एज बापू, कि पॉपुलरली नॉन एज बापू, मतलब आप समझ रहे हैं, बापू के नाम से वो जाने जाते थे, यानी उनका प्रसिद्ध नाम बापू था। और मतलब या द फादर ऑफ द नेशन, यानी भारत के राष्ट्रपिता के भी नाम से, यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट नहीं है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी जब एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी अगर वाज दे करके और पूरी लाइनें लिखा है तो हम लोग यहाँ पर या तो इनको ही कहेंगे, नहीं तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज कहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ ही समझिए या मोहनदास करमचंद गांधी समझिए, सब्जेक्ट यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर भी उसी तरीके से यही काम आएंगे, ठीक है। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, वो ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पोलिटिशियन, पूरा लाइन को खत्म करेंगे तब ना समझ में आएगा उसका हिंदी। देखिए वो राजनैतिक से ज़्यादा, ठीक है ना, यानी पोलिटिशियन से ज़्यादा, और एज ए कंपेरिजन, जब दो शब्दों को यानी दो कुर्सियों के कंपेरिजन में जब कोई बात कही जाती है तो बीच में दैन लगाया जाता है। तो ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पोलिटिशियन, वो राजनेता से ज़्यादा, ठीक है ना, वो आध्यात्मिक एक नेता थे, ठीक है ना। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर किसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल मैन किसको बोलते हैं, जो सबको लेकर चले,
जिनके अंदर भेदभाव ना हो, जिनके अंदर हिंसा ना हो, जिनके अंदर छोटा बड़ा जात करने का डिफ्रेंसिएशन मतलब ना चले उनके दिमाग में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो सबको मिला कर चलते हैं, ठीक है ना, सबको मतलब सबकी भावनाओं को समझते हैं, सभी की जाति को इज्जत करते हैं, सभी जाति धर्म जितने भी जाति धर्म हैं सबका मान सम्मान करते हैं, सबको मिलाकर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन बोलते हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी क्या थे, वो राजनेता से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, सबको मिला जुला कर चलते थे, ठीक है। ही सक्सेसफुली यूज ट्रथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए देखते हैं। देखिए भारत में जब अंग्रेज था ना, तो अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने दो हथियार का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, दो हथियार का इस्तेमाल किया देश की आज़ादी दिलाने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ, काफ़ी भव्य साबित हुआ। हम लोग जो है ना किसी से आज़ादी पाने के लिए या किसी से मतलब ज़मीनी विवाद में ज़मीन का मतलब मान लीजिए कि आप ही का ज़मीन है, अगर वो दूसरा आदमी कब्जा कर लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे निपटने के लिए हम लोग शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत भारी भारी शस्त्र, या तो गन का इस्तेमाल करते हैं या तो वीपन्स के रूप में हम लोग तलवार का इस्तेमाल करते हैं। दे दो नहीं तो हम तुम्हारा सर उतार देंगे, सर कलम कर देंगे, या दे दो नहीं तो अगले दिन तुमको गोली मार देंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे धमकियाँ दे करके और मतलब अजीबो गरीब उसको मैंने करके हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन को अपने ही ज़मीन को कब्जा करने की। हालांकि ये चाहे तो हम लोग मतलब मुख्य हथियार के रूप में जो गांधी जी इस्तेमाल किए इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने में, तो ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो देखो कहा जाता है क्या कि जब सीधी उंगली से घी निकल जाए तो टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत। तो देखिए प्यार जो होता है ना, लव, लव इज ए नेचुरली फीलिंग, आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब उसको निगेटिव नहीं लेकर के जाइएगा। लव इज ए नेचुरली फीलिंग। देखिए अगर प्यार से किसी चीज़ को मांगो ना तो वो दे देता है, लेकिन वही कहो कि ए दो, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ी सी मतलब ईगो तो आ ही जाती है कि जाओ तुमको जो करना होगा कर लेना। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ना, वो सबको लेकर चलते थे और सबकी भावनाओं को समझते थे। यहाँ पर क्या लिखा है कि ही सक्सेसफुली यूज ट्रथ, वो सफलतापूर्वक उपयोग करते थे। ही सक्सेसफुली, वो सफलतापूर्वक यूज उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना, सत्य और अहिंसा की। महात्मा गांधी, ठीक है ना, सफलतापूर्वक दो ही हथियार का इस्तेमाल करते थे, ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, बोले तो सत्य और अहिंसा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है ना। एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था ना, भारत में इन इंडिया द ब्रिटिश रूल, जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उसके खिलाफ, देखिए यहाँ पर अगेंस्ट दिया हुआ, उसके खिलाफ द चीफ वीपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में दो ही हथियार इस्तेमाल कर रहे थे गांधी जी, ट्रथ एंड नॉन वायलेंस। हमारे और आपकी तरह गन और तलवार नहीं यूज करते थे, ठीक है ना, वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए वो दो ही हथियार इस्तेमाल करते थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए एंड, एंड मतलब और, हेल्प्ड, और यही मैंने ट्रथ एंड नॉन वायलेंस मदद किया, यानी यही हथियार मदद किया इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी दिलाने में। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम 1950 टिल 1948, मतलब 1915 से 1948 तक, ठीक है ना, माने उनका माने गांधी जी का, फ्रॉम 1915 टू, ठीक है ना, 1948 माने 1948 तक, ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, उनका भारतीय राजनीतिक पर, ठीक है ना, भारतीय राजनीतिक पर काफ़ी प्रभुत्व रहा। डोमिनेट मतलब कम्प्लीटली डोमिनेटेड मतलब कि मतलब पूरी तरह से उनका प्रभाव था, पूरी तरीके से उनका प्रभुत्व रहा, ठीक है। तो ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीतिक पर, ठीक है ना, गांधी जी का काफ़ी प्रभुत्व रहा। ही डैड, ही कौन, किसको, मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है। ही डैड मोहनदास करमचंद गांधी, ही के जगह पर मोहनदास करमचंद गांधी माइंड में सेट करके चलिएगा, ही मतलब मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है। ही डैड, वह मर गए एट द हैंड्स के हाथों, ठीक है ना, एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, यानी एक कट्टरपंथियों के हाथ से। फैनेटिक मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी, जो सिर्फ अपने ही धर्म को माने, दूसरे के धर्म की इज्जत ना करें, ठीक है। तो ये क्या किए, नाथूराम गोडसे ने धड़धड़ जो है ना
मतलब उनके सीने पर 3 गोलियां चला दी, गांधी जी मर गए, ठीक है। तो ही डैड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। ऑन 30 जनवरी 1948 1948, साल चल रहा था, जनवरी का महीना था, 30 तारीख था, यानी 30 तारीख यानी 30 जनवरी 1948 को बेचारे, ठीक है ना, कट्टरपंथियों के हाथे मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, ठीक है ना। देखिए ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर होता है। देखिए ऑटोग्राफी बोला जाता है जब लेखक अपने ही बारे में, अपनी ही कथा, ठीक है ना, मतलब स्वयं लिखे, ठीक है ना, तो ऐसे माने कथा को हम लोग आत्मकथा कहते हैं, यानी ऐसी कथा जो लेखक खुद लिख रहा हो, तो लेखक द्वारा लिखी गई स्वयं की कथा, ठीक है ना, आत्मकथा कहलाती है। तो ऑटोग्राफी गांधी जी ये खुद लिखे हैं, इसलिए ऑटोग्राफी मतलब होता आत्मकथा, ठीक है ना। तो जो लेखक अपने बारे में, ठीक है ना, अपनी कथा, ठीक है ना, लिखता है, तो वो कथा को हम लोग आत्मकथा कहते हैं। और बायोग्राफी मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसी लेखक के बारे में कोई दूसरा आदमी लिख दे, ठीक है ना, जैसे गांधी जी के बारे में कोई और लिखा है तो वो हो गया बायोग्राफी, ठीक है ना। इंटरनेट पर आपको बायोग्राफी पढ़ने को मिलता है गांधी जी के बारे में, गांधी जी इंटरनेट पर थोड़ी ना आकर लिखे हैं, गांधी जी के बारे में इंटरनेट पर कोई और लिखा है, इसलिए इंटरनेट पर लिखी गई गांधी जी के बारे में जो कहानी है वो बायोग्राफी होता है। और अब देखिए, अब जो ये ऑटोग्राफी है वो गांधी जी खुद लिखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हिज ऑटो बायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रथ, उनकी एक किताब थी जिस किताब का नाम था, ठीक है ना, उसमें अपनी आत्मकथा लिखे थे, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रथ, ठीक है ना, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रथ के नाम से, ठीक है ना, क्या है उनका एक किताब भी है, ठीक है ना। एंड द और द नंबरस आर्टिकल्स डैट ही रूट, और उन्होंने असंख्य लेख, असंख्य, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स यानी बहुत सारे अभिलेख, ठीक है ना, डैट ही रूट, डैट माने जो ही रूट, डैट मतलब जो ही रूट, जो लिखे फॉर यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका आता है, जैसे अभी आता है क्या हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो द टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, द हिंदू आता है, हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, ठीक है ना, प्रभात खबर आता है, मतलब ये सारी, तो ये क्या है पत्रिका, उसी तरीके से द यंग इंडिया के नाम से उस समय पत्रिका छप रहा था जिसमें ये अपनी आत्मकथा जो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रथ के नाम से जो बुक था उसमें से कुछ लाइनें निकाल करके यंग इंडिया के लिए लिखते थे, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, एंड द स्पीच और भाषण डैट, डैट मतलब जो ही डिलीवर्ड, जो वह देते थे, ठीक है ना, एंड एंड मतलब और द स्पीच भाषण डैट मैंने जो ही डिलीवर्ड देते थे, वह देते थे, ठीक है ना, ऑन डिफरेंट ओकेजन, डिफरेंट ओकेजन मतलब बहुत सारे अवसरों पर, ठीक है, रिवील हिम, और यह भाषण मतलब साबित करता था, ठीक है ना, रिवील हिम मतलब साबित करना, माने उसे यह साबित करता था, नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर, ये सिर्फ सच्चे विचारक के रूप में नहीं, बट बल्कि, बट माने लेकिन भी होता है, बट माने यहाँ पर बल्कि का अर्थ आएगा, ठीक है ना, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक सच्चे विचारक के रूप में ही नहीं, बट बल्कि ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, वो एक अच्छे धर्मांत भी थे, यानी अच्छे धर्मगुरु भी थे, उनकी इंग्लिश जो होती थी आइडियोमेटिक इंग्लिश होती थी, उनकी इंग्लिश जो होती है ना मुहावरेदार होती थी, जैसे मुहावरा मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जैसे कि 9-2-11 होना, ठीक है ना, अगर हम लोग वो कहना है किसी को कि देखिए ना वो यहाँ पर आया और तुरंत जो है ना 9-2-11 हो गया, यानी कि फटाफट वहाँ से निकल लिया, ठीक है ना, तो 9-2-11 एक क्या है, मुहावरा है, जो भाग जाने के अर्थ में हम लोग इन द सेंस ऑफ मतलब भाग जाने के अर्थ में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, 9-2-11 होना, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह मतलब है, 9-2-11 होना यानी भाग जाना, ठीक है। तो उनका जो भी इंग्लिश होता था एडियोमैटिक होता था, यानी कि बहुत ही मुहावरेदार होता था, बहुत ही आसान होता था, कोई भी उस मुहावरा के माध्यम से समझ लेता था कि वो गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बहुत सारे उदाहरणों में, ठीक है ना, इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है माने निम्नलिखित उदाहरणों में, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के निम्नलिखित उदाहरण हैं उनमें से, ठीक है ना, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन, ठीक है, गांधी जी बात करते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के स्वास्थ्य नींव पर बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड
द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ खड़ा रहा, ठीक है, क्या, विच हैज सक्सेसफुली, जो सफलतापूर्वक, विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब सफलतापूर्वक, देखिए सिविलाइजेशन, ठीक है ना, यहां तक तो हो गया, विच से समझिए, विच हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड, जो सफलतापूर्वक, विच हैज सक्सेसफुली, जो सफलतापूर्वक विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के साथ खड़ा रहा, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति रखता है टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, क्या चीज, जो हम लोग फिजिकली, जो हम लोग जिस तरीके से हैं उस तरीके से विशेष अधिकार देने के लिए क्या करता है, जो पश्चिमी सभ्यता है वो इसकी प्रवृत्ति रखता है, ठीक है ना। और गांधी जी कहते हैं कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, ये हमारी भारतीय सभ्यता से काफ़ी अलग है, ये मैंने मैच नहीं कर सकता है, डैट एलिवेट्स द मोरल बींग, जो हमारी नैतिकता है। देखिए भारत में जो गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारी नैतिकता है, वो वेस्टर्न यूनियन से काफ़ी अलग है, ठीक है ना। हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ फिजिकली मिलता जुलता है, लेकिन हमारी जो यहाँ पर जो जितने भी हमारे माँ बहनें होती हैं, जितने भी जो हमारे यहाँ जो लेडीज होती हैं, वो जो जिस तरीके से पर्दा में रहती हैं, जो हमें संस्कार मिला है हमारे एंसेस्टर्स, जो हमें मिला है जो संस्कार, वो संस्कार हमारे पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी अलग है। वो चाह करके भी हमारे इस सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पश्चिमी सभ्यता से अगर हम लोग कंपेरिजन करें, वहाँ से अगर कंपेयर करने की कोशिश करें, तो हमारा भारत का जो सभ्यता और संस्कृति वो काफ़ी वेस्टर्न यूनियन से अलग है। अब चलिए इस पूरे प्रीफेस को बिल्कुल निचोड़ करके और समझते हैं। तो चलिए अब यहाँ जो अभी थोड़ा देर पहले हम जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में जो प्रीफेस पढ़ा, उसका एकदम पूरा निचोड़ शॉर्टकट में हम लोग समझते हैं, ताकि हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इससे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाए तो ना छूटे। यहाँ देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति जो एक ऐसे है, अगर पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ऐसे और क्या, व्हाट इज दिस, तो आपको बताना होगा ऐसे है, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, तो आप बताएंगे गांधी जी। अगर पूछेगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, फुल नेम, तो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अगर उसके प्रसिद्ध नाम की बात करें, पॉपुलरली नेम का, तो बापू और द फादर ऑफ नेशन, उन्हें राष्ट्रपिता भी बुलाया जाता था, ठीक है। उनकी जन्म कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1869, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो प्रीफेस पढ़ रहे थे, जो होम पेज पढ़ रहे थे, उस पर गांधी जी के बारे में लिखा था कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज बॉर्न ऑन 1869 और डैड ऑन 1948, यानी कि सिर्फ उनकी ईयर हमें पता था कि किस साल में उनकी जन्म हुई थी और किस साल में उनकी मरण हुई थी, तो ये चीज़ें पता था, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता था। हम अभी जो निचोड़ हम बता रहे हैं, इसमें पूरा आपको क्या बता रहा है, उसका पूरा परफेक्ट डेट बता रहा है कि उनकी जन्म कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1869 में, और डैड 30 जनवरी 1948 बाय द हैंड ऑफ फैनेटिक, जैसे कि आपके प्रीफेस में लिखा हुआ था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंतर्गत, जो मोहनदास करमचंद गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में जो लिखे थे, उसमें लिखे हैं कि जो उनकी मौत हुई, ठीक है ना, तो वो 30 जनवरी 1948 को बाय द हैंड ऑफ फैनेटिक के जरिए, फैनेटिक बोले तो एक कट्टरपंथियों के हाथ से उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। चीफ वेपन्स इनका मुख्य हथियार गांधी जी का क्या था, मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा, ट्रथ एंड नॉन वायलेंस, याद रखिएगा गांधी जी का दो मुख्य हथियार कौन था, सत्य और अहिंसा, ट्रथ एंड नॉन वायलेंस। अब बात करते हैं कि उनकी लिखी हुई बुक क्या थी, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रथ, ठीक है ना, बिल्कुल उनके वेपन्स से मिलता हुआ ये बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ, ठीक है ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रथ। अब बात करते हैं मैनी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर, हाँ यहाँ मेरे लिखने का मतलब है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखे अपने माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रथ नामक जो बुक था, उससे बहुत सारे अपना अनुभव को, एक यंग इंडिया नाम की पत्रिका चलता था जो न्यूज़पेपर की तरह था, जैसे कि अभी जो हम प्रभात खबर है, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, ये जितने भी न्यूज़पेपर आते थे ना, आते हैं अभी भी, तो उस तरीके से उस समय यंग इंडिया के नाम से एक न्यूज़पेपर चलता था, जिसमें वो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे उसमें, और अपने अनुभव को शेयर करते थे, जो युवा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और लाभजनक साबित होता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में और कितनी सारी बातें लिखे हैं, इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है, हम सबका एक वीडियो सीक्वेंस के हिसाब से अपलोड करते रहेंगे, बने रहिए इसी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।